तो यो गाइस, तो कैसे आप सभी एंड आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है टू नाइट अपडेट्स के एक और ब्रांड न्यू फ्रेश एपिसोड में। गाइस यार, सबसे पहले मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही भाई, ग्रीना फ्री फायर कौन से सस्ते नशे करता है यार। गाइस यार, आज फिर अपना फ्री फायर गेम नहीं ओपन हुआ, मतलब ओपन तो हो रहा था बट हम कुछ खेल नहीं पा रहे थे, एक एरर गाइस आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक 12 बजे से लेके 4 बजे तक ये एरर चला है एंड भाई सब क्या ही इरिटेटिंग दिन था यार आज का। गाइस यार, चलो इस बात को रखते हैं साइड में, अपने वीडियो पे आते हैं। तो भाई आज का ये वाला वीडियो गाइस तुम सभी के लिए काफी सौदा ही मस्त रहने वाला है, बिकॉज गाइस आज के इस वाले वीडियो में बात करेंगे जो अपना न्यू करेक्टर आने वाला है वो गाइस अपने डीजलॉक से पावरफुल होगा या फिर नहीं, क्या कुछ पूरा सीन रहने वाला है। प्लस गाइस बात करेंगे अपने लाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में, बताऊंगा कब एंड कैसे यार तुम्हें लाइट पास डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा। एंड गाइस यार, साथ ही साथ बात करेंगे अपनी फ्री फायर गेम में आने वाले कुछ अपकमिंग रिवॉर्ड्स के बारे में, बताऊंगा उनमें से यार तुम्हें कौन से रिवॉर्ड्स फ्री में मिलने वाले हैं, कब एंड कैसे यार तुम्हें वो सब रिवॉर्ड्स फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यार, उससे पहले बता दूं कि गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, तो प्लीज यार सभी के सभी बंदे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड साइड में यार तुम्हें नोटिफिकेशन बेल देखने को मिलेगा, इसको गाइस यार सभी के सभी ऑल पे सिलेक्ट जरूर से कर लेना। तो गाइस यार, आज के इस वाले वीडियो में रखते हैं पूरे 25 लैक्स का, होप करता हूं यार तुम डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो यस गाइस यार, सभी के सभी एक लाइक कर देना, कुछ जा तो रहा नहीं यार, कर ही देना। गाइस यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर अपनी फ्री फायर गेम में आने वाले कुछ ब्रांड न्यू रिवॉर्ड्स के बारे में। इसके बाद गाइस बात करें अपना जो न्यू करेक्टर रहने वाला है, क्या वो डीजलॉक से पावरफुल होगा या फिर नहीं, भाई बहुत सौदा कमेंट्स आए इससे रिलेटेड। एंड गाइस इसके साथ ही साथ बात करें अपना टू नाइट अपडेट्स एंड यहां पर व्हील ऑफ डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो गाइस यार, जैसे कि गाइस तुम यहां पर अभी देख पा रहे हो, गाइस ये रहने वाली अपनी न्यू एसवीडी की स्किन, जो कि भाई साहब काफी सही लग रही है यार देखने में। तो भाई लोग यहाँ पर बता दूँ, ये गाइस तुम्हें अपनी फ्री फायर गेम में देखने को मिलेगी नेक्स्ट वेपन रॉयल में, नेक्स्ट वेपन रॉयल। गाइस अभी मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये गाइस अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल रहने वाला है। एंड भाई लोग यहाँ पर भाई सब एक और स्किन आने वाली है जो कि रहने वाली है कैटाना की। एंड भाई साहब यार, क्या ही स्किन लग रही है भाई, मेरे को काफी सौदा मस्त यार ये वाली कैटाना की स्किन लगी है, बिकॉज इसका एनिमेशन देखो भाई साहब, बहुत सौदा मस्त लग रही है यार। गाइस यार यहाँ पर बात करें, ये गाइस तुम्हें स्किन अपने न्यू टॉप ऑफ रिवॉर्ड में गाइस डेफिनेटली देखने को मिल सकती है भाई लोग। गाइस यार, अभी हम फाइनली बात करने वाले हैं गाइस, जो अपना न्यू करेक्टर अपनी फ्री फायर गेम में आने वाला है, क्या वो डीजलो करेक्टर से पावरफुल होगा या फिर नहीं। तो भाई लोग, अगर तुम में से मैक्सिमम बंदे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई जो न्यू करेक्टर आने वाला है वो बताओ डीजलो से पावरफुल होगा या फिर नहीं। एंड गाइस यार, तुम्हें भी बता, अगर डीजलो से पावरफुल हुआ ये वाला न्यू करेक्टर, तो भाई साहब डीजलो की भाई लोग यार वाट लगने वाले, डीजलो को कोई भी बंदा यूज नहीं करेगा। तो गाइस यार, जैसा कि गाइस तुम यहां पर अभी देख पा रहे हो, तो भाई लोग यहां पर जो ये वाला करेक्टर है ना भाई, देखने में काफी सौदा ही मस्त लगता है। एंड गाइस लगता है कि भाई करेक्टर पे काम किया गया है, अच्छा यार करेक्टर डेवलप किया गया है, ठीक है, बिकॉज भाई डीजलॉक के बाद जो भी करेक्टर आए हैं वो उनका गाइस लुक्स इतना मस्त नहीं था। एंड यार कुछ ढंग का गाइस मेरे को लगा नहीं उन सभी करेक्टर्स में, मतलब लुक्स वाइज बहुत घटिया यार सारे के सारे करेक्टर लग रहे थे मेरे को। एंड गाइस यार, तुम्हें बताइएगा, अभी तक डीजलॉक से पावरफुल करेक्टर अभी तक अपनी फ्री फायर गेम में नहीं आया। एंड भाई डीजलॉक को आए हुए भाई सॉल से सौदा हो गया भाई, एक सॉल करेक्टर को हो गया भाई, इतना पावरफुल करेक्टर था। एंड गाइस तुम्हें बताएगा, जो अपना इलाइट आता था वो गाइस सबसे पावरफुल था, तो उसके बाद आई थिंक सो एक साल के बाद अपना डीजलो करेक्टर आया एंड यहाँ पर गाइस फिर से एक साल हो चुका है। तो भाई मेरे को लग रहा है कि गाइस पावरफुल होगा भाई, डेफिनेटली यार ये वाला करेक्टर पावरफुल होगा आलोक से। गाइस यार, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गाइस यहाँ पर जो ये करेक्टर है इसके साथ कोलैबोरेट किया है ग्रीना फ्री फायर ने, एंड गाइस यार कोलैबोरेशन बहुत बड़ा है एंड बुइया इवेंट भी गाइस अपना आ रहा है। तो भाई मेरे को डेफिनेटली लगता है यार ये वाला करेक्टर आलोक से पावरफुल होगा। गाइस यार, अपने न्यू करेक्टर की एबिलिटीज अभी तक रिवील नहीं हुई, बट यार जल्द ही अपने न्यू करेक्टर की एबिलिटीज भी आने वाले, एंड उससे गाइस पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये वाला न्यू करेक्टर आलोक से पावरफुल होगा या फिर नहीं। मेरे को लगता है डेफिनेटली यार ये वाला करेक्टर पावरफुल होने वाला अपने डीजलॉक से। गाइस यार, अभी मैं तुम सभी के साथ एक बात शेयर करने वाला हूँ जो कि भाई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई लोग यहाँ पर अभी जो ग्रीना फ्री फायर में इवेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट लगा लो, जो भी अभी न्यू इवेंट्स आ रहे हैं वो भाई लोग पूरे के पूरे प्रोग्राम्ड है, ठीक है, उनमें तुम्हारा लक मैटर नहीं करेगा गाइस, लक मैटर नहीं करेगा। गाइस यार, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो भी इवेंट्स आ रहे हैं उनमें कुछ लक का मैटर ही नहीं कर रहा भाई, पूरे के पूरे हमें डायमंड्स देने पड़ते हैं। एंड आज का जो इवेंट आया था ये भी गाइस सेम रहा, एंड मेरे को देख लो तुम यार, लास्ट रो पे आ चुका हूँ एंड ये निकल रहे हैं, ठीक है, टोकन निकल रहे हैं जिनको मैं रिडीम कर पाऊंगा, तो पूरे यार 1000 डायमंड्स तो मतलब ये इवेंट मार के जाने वाला है, ठीक है। तो गाइस यार, जो अभी इवेंट्स आ रहे हैं गाइस, जो इवेंट्स अभी फ्यूचर में आने वाले हैं गाइस, ये लगा लो प्रोग्राम्ड रहने वाले हैं, 1-2% बंदों को गाइस लक के हिसाब से मिलेगा, वरना मैक्सिमम बंदों को गाइस सारे के सारे डायमंड अपने लगा
लगाने पड़ेंगे। एंड गाइस तुम्हें इवेंट्स का पता ही है, अगर हम थोड़े बहुत डायमंड लगाते हैं तो भाई फिर तो हम इंडियन से यार पूरा बंडल निकालने का सोचते हैं और उससे गाइस पूरे के पूरे डायमंड चले जाते हैं एंड कुछ मिलता भी नहीं, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवेंट्स में गाइस थोड़ा सोच समझ के लगाना, इन्वेस्ट करना। तो गाइस यार यहां पर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई मेरे को मिलने तो वाला नहीं ये बंडल, तो भाई लोग यहां पर मैंने 500 डायमंड इन्वेस्ट की एंड उसके बाद मैंने रिडीम कर लिया ये वाला इमोट, ठीक है। मेरे पास इमोट नहीं था तो मैंने सोचा यार क्यों बंडल के पीछे इतने डायमंड वेस्ट करने, तो मैंने यार गाइस फाइनली यार ये वाला इमोट मैंने रिडीम कर लिया। तो यस गाइस यार मैंने आप सभी के साथ ग्रीन का एक स्कैम शेयर कर दिया, स्कैम से बच के रहना प्लीज यार, सभी रिक्वेस्ट है। तो चलो यार गाइस अभी हम बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट फेडेड व्हील एंड इसके बाद अपने टू नाइट अपडेट्स, लाइट पास, डिस्काउंट, फ्री रिवॉर्ड्स, भाई साहब बहुत कुछ है, तो वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना। गाइस यार तुम्हें अपनी फ्री फायर गेम में यार ये वाला बंडल जल्द ही देखने को मिलेगा जो कि यार तुम्हें अपने नेक्स्ट फेडेड व्हील में देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग यार जैसा कि गाइस तुम देख सकते हो बंडल काफी सौदा ही मस्त है एंड भाई मेरे को काफी सौदा ही मस्त लगा। एंड इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है फैंटम बियर, ठीक है, फैंटम बियर गाइस इस वाले बंडल का नाम। एंड काफी यार गाइस क्या ही बोलूं, काफी सही बंडल है एंड मेरे को यार काफी सादा मस्त लगा। बट यार इसकी डिसएडवांटेज भी आई थिंक सो होती है बिकॉज यार ये मोटा बंडल है, तो बंदे आई थिंक सो यार हमें जल्द ही ठोक सकते हैं, कुछ मेरे को पूरा कंफर्म तो नहीं है बट यार बहुत बंदे बोलते हैं अगर हम कुछ मोटा ड्रेस पहनते हैं गेम में तो यार इससे डिसएडवांटेज हमें होता है। तो गाइस यार सभी के सभी कमेंट करके बताओ कि ये मिथ कंफर्मड है या फिर बस्टेड है, तो भाई बता दो यार, मेरे को पता है तुम शैडो शूटर के फैन हो तो कमेंट करके बताओ यार ये मोटा ड्रेस से कुछ फर्क पड़ता है या फिर नहीं। गाइस यार अभी हम फाइनली बात कर लेते हैं यहां पर अपने लाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में, ठीक है, जो अभी ग्रीना स्कैम कर रहा है भाई, जो चीज अभी ग्रीना कर रहा है वो पूरा क्लियर करूंगा एंड क्या सीन गाइस ग्रीना ने क्रिएट कर रखा है वो भी गाइस मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो भाई लोग जो अपना लाइट पास डिस्काउंट इवेंट था गाइस वो पूरा कंफर्म हो चुका था एंड हर एक सर्वर पे आया भाई, जितने मैंने सर्वर देखे हैं हर सर्वर पे लाइट पास डिस्काउंट इवेंट है, ठीक है, किन्हीं पे व्हील ऑफ डिस्काउंट इवेंट है या फिर किन्हीं पे कोई दूसरा इवेंट है जिनमें हमें डिस्काउंट पे लाइट पास मिल रहा है। एंड गाइस यार सीरियसली यार काफी सौदा डिस्काउंट वहां पर उन बंदों को मिल रहा है, मतलब यहां पर उन बंदों को 8 या 1 डायमंड में, 9 या 1 डायमंड में उनको लाइट पास लिटरली ग्रीना दे रहा है, ठीक है। बट भाई लोग यहां पर इंडियन सर्वर में ये वाला इवेंट क्यों नहीं आया, क्या गाइस ग्रीना भी कर रहा है वो गाइस मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस यार तुम सभी को भी पता हुआ है यार हम कितने दिनों से मतलब मिस्ट्री शॉप का वेट करते थे कि मिस्ट्री शॉप आएगा, उसमें हमें लाइट पास डिस्काउंट भी मिलेगा, हम परचेस करेंगे। बट यार अब की बार गाइस ग्रीना ने हमारा दिल तोड़ दिया मिस्ट्री शॉप में यार, सीरियसली हमें यहाँ पर लाइट पास डिस्काउंट पे मिला ही नहीं, मतलब लाइट पास ही नहीं मिला, ठीक है। गाइस यार फिर उसके बाद एक और न्यू स्प्रेड हुई कि जो अपना लाइट पास डिस्काउंट इवेंट है गाइस वो आने वाला है यहाँ पर 22 से लेकर 24 सितंबर के बीच में, जो कि भाई कंफर्म्ड थी यार, बहुत सर्वर्स पे अभी दे भी दिया, तुम्हें भी बताऊंगा हर सर्वर पे दिया है भाई, हर लिटरली हर सर्वर पे दिया सिर्फ इंडियन सर्वर को छोड़ के। गाइस यहां पर मैं बता दूं यार ये वाला इवेंट अपनी फ्री फायर गेम में क्यों नहीं आया, तो इसका मेन रीजन है कि ग्रीना गाइस मैं बता दूं इंडिया से सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है भाई, लिटरली भर भर के पैसा मिलता है इंडिया से बिकॉज यहां पर बहुत बंदे टॉप अप करते हैं फ्री फायर में। एंड यार गाइस तुम्हें बताऊंगा इंडियन ऑडियंस कितनी है यार फ्री फायर की, बहुत पैसा छापता है यार इंडिया से। गाइस यार अगर इस हिसाब से चलता रहा ना तो भाई इलाइट पास कभी फ्यूचर में डिस्काउंट पे आने नहीं वाला भाई। गाइस देख लो यार मिस्ट्री शॉप में नहीं दिया, कहीं पर नहीं दिया भाई, क्या कर रहा है भाई ग्रीना अभी। भाई मैं बता दूं यार मैं अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, तुम भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो हम सबको यार मिलके आवाज उठानी पड़ेगी यार इसके खिलाफ, ठीक है। तो मैं गाइस इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगा क्या हम सब कर सकते हैं मिलके। तो भाई लोग चैनल पे अपडेटेड रहो गाइस, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे यार, ऐसे चुप तो बैठने नहीं वाले यार गाइस, काम कर रहा है पूरा गाइस ग्रीना। गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूं यार तुम्हें आज का ये वाला वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है तो प्लीज सर अभी लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो चलिए यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।